तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी एग्जाम हम देने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें फिर पूछा चूज द ऑड वन आउट ऑफ, सब पूछा बताना है कि चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन अलग है, एक ऑप्शन इसमें गलत है, तो उसको आपको पता करना है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए हम लोग क्या देखेंगे, 8, 4 और 6, 5। कितना है दोस्तों, 8 और 4, और इधर कितना है 6, 5। आपको बताना है कि कैसे ये एक जैसे रिलेशन इसमें कैसे बनना है। देखिए सबसे पहले 8 और 4 में आठ और चार पे जुड़ेगा, यानी 84 में 8 और 4 पे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 12, और उसके बाद कितना है दोस्तों 65। तो 6 और 5 पे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी देखिए 12 और 11 है, मतलब 8 और 4 12 हो गया, 6 5 11 हो गया, ये इससे कितना ज़्यादा है दोस्तों 1 ज़्यादा। उसी तरह से हम लोग तीनों ऑप्शन चेक करेंगे। चलिए तीनों ऑप्शन चेक करते हैं, चलिए तीनों ऑप्शन पहले चेक करते हैं। पहला ऑप्शन तो हमने देख लिया, चलिए उसके बाद वाला ऑप्शन कितना है 44, 4, 4, और उधर कितना है दोस्तों 2, 5। 4 और 4 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8, और 2, 5 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7। ये ऑप्शन भी सही है, यानी पहला 2 ऑप्शन सही है, ये लोग एक एक इन दोनों के बीच में एक एक का अंतर है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं कितना है 6, 2 तो कितना हो गया 8, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी इसमें भी कितना का अंतर है 1 का अंतर। तीसरे ऑप्शन में भी 1 का अंतर है, तो ये भी सही है, तीन ऑप्शन एक बिल्कुल एक तरह है। चौथा ऑप्शन ये एक तरह नहीं होगा, क्योंकि 4 में से कोई एक ना कोई अलग होना है। तो 9, 8 को देखते जोड़ के, 9, 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 7 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14। तो इसमें कितना का अंतर दिख रहा है आपको, 3 का अंतर दिख रहा है, इसलिए ये ऑप्शन मतलब कि अलग हो गया। 4 तीनों से ये ऑप्शन अलग हो गया, यही आपका सही उत्तर हो गया। तो पूछा चूज द ऑड वन आउट, कौन ऑड है, तो तीसरा वाला ऑप्शन अलग है, तो चौथा ऑप्शन अलग है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, बाकी में एक एक का अंतर, इसमें भी एक का था, इसमें भी एक का था, और इसमें भी एक का था, तो ये ऑप्शन अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज, अगला जो सीरीज दिया हुआ इसमें अगला संख्या आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले देखिए क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 है, उसके बाद कितना है 7, 7 के बाद कितना है 11, 11 के बाद कितना है 15, 15 के बाद कितना होगा 19 होगा, 19 क्यों होगा, 19 इसलिए होगा क्योंकि 4 का अंतर है, 15 के बाद 19 हो गया। उसके बाद अल्फाबेट में देखिए क्या है, डब्ल्यू भी, अच्छा इसको भी उठा लेते पर देखिए अल्फाबेट में अगर आप चेक कीजिएगा तो क्या है डब्ल्यू वी यू टी, अगर आप उल्टा देखेंगे तो टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू, तो टी से पहले क्या होगा एस, टी से पहले क्या हो जाएगा एस, स्टॉप देखिए एस टी यू वी डब्ल्यू, ये सही हो गया। और हो गया देखिए 3, 7, 11, 15, 19, तो लेटर में 4 का अंतर है, और लेटर में नंबर में 4 का अंतर, जो लेटर है उसमें क्या है एस टी यू वी, मतलब एक के बाद एक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया 19 एस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है कि ये वाला संख्या का यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन पे क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन कैसे करना है, देखना है कि नीचे जो बड़ा संख्या है, अगर आप देखिएगा तो तीनों सीरीज रो दिया हुआ है, तीनों रो में नीचे में बड़ा संख्या हमेशा 27 है, 22 है, 23 है, तो आपको सोचना है कैसे, समझिए पहला रो हम देख रहे हैं, समझिए इस रो को चेक कर रहे हैं, इस रो को चेक कर रहे हैं, तुमको क्या सोचना है कि 8, देखिए 8, 8 और 9 हम लोग क्या करेंगे तो हमारा 27 बन जाएगा, मतलब 8, 8 और 9 को ऐसा क्या करेंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। जैसे देखिए 8 हो गया और 9 को क्या करेंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। दोस्तों देखिए 8 और 8 को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ भी जाता तो कितना बन जाता है 16 और 9 25 हो गया, बनाना कितना 27, इसमें अगर 9 और 2 जोड़े तो कितना बन गया हमारा 27 बन गया। अब इसी तरह से क्या यहाँ पे भी हम लोग रहते हैं 22 ला पाते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों कि 22 ला पाते हैं क्या यहाँ पे, चुप जाइए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए देखिए कितना है 5, 8, 7, 5, 8, 7 दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, पहले वाले में हमने 2 जोड़ा था, इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हमारा 22 आ गया, यानी इसी तरह से हम लोग को जितना तीनों को ऐड करके 2 जोड़ देना है तो हमारा यहाँ पे उत्तर चला आएगा। देखिए अगला वाला देखते हैं, अगला जो आखिरी है यहाँ पे आपसे पूछा है क्या लाना है उसको चेक करते हैं एक बार। चलिए कितना है दोस्तों 9, 3, 3, 4, 9, 3, 3, 9, 3, 4 अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3, 11 आएगा, 9, 3, 12, 12, 4, 16 16 आ गया, और हमने क्या जोड़ना है 2 और जोड़ देना है, 16 तो कितना हो गया दोस्तों हमारा 18 हो गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन गिवन फिगर, आपको बताना है कि इसमें कितना त्रिभुज है। देखिए इसको करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि देखिए कितना त्रिभुज बन सकता है, तो नीचे से देखिए मतलब कि अंदर एक तो बड़ा ट्राइंगल हो गया, एक तो बड़ा त्रिभुज हो गया आपके पास, तो ये एक ट्राइंगल बन गया अपने में। अब नीचे देखिए अब जो अंदर है इस ट्राइंगल के अंदर बड़े वाले के अंदर देखिए कितना एक ट्राइंगल बना हुआ है,
ये देखिए बड़े वाले के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। अभी एक ट्रायंगल बना हुआ तो इसके चार ट्रायंगल बना लेगा। देखिए कैसे, एक दो तीन और एक खुद, चार ट्रायंगल बन गया। नहीं समझे, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले तो देखिए एक ट्रायंगल अपने जो नीचे में है, एक ट्रायंगल ये हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए एक एक हो गया, ये दो हो गया, ये थोड़ा सा हट गया, देखिए ये दो हो गया। उसके बाद यहाँ से अगर देखिएगा तो ये तीन बन गया इधर, तीसरा ये बन गया इधर, चौथा। तो चार ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ही बन गए, चार ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर बन गए। अब देखिए उसके बाद दोस्तों देखिए बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर तो चार बन गए, अब एक बड़ा ट्रायंगल हो गया। बड़ा ट्रायंगल कौन सा हो गया, देखिए बड़ा ट्रायंगल दोस्तों ये हो गया, ये देखिए बड़ा ट्रायंगल ऐसे बन गया, ये देखिए ये बड़ा ट्रायंगल हो गया। तो चार और एक ट्रायंगल और बन गया, टोटल कितने ट्रायंगल बन गए दोस्तों, पांच ट्रायंगल। और ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। देखिए इंग्लिश में है, द बैड बिहेवियर ऑफ एनी स्टूडेंट रिजल्ट इन डिफॉर्मेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड द स्कूल। डिफॉर्मेशन मतलब खराबी होता है। द बैड बिहेवियर ऑफ एनी स्टूडेंट रिजल्ट, कंक्लूजन क्या कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है, रूल फॉलोड इन स्कूल आर नॉट प्रॉपर, द सच अ स्टूडेंट शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। देखिए बैड बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट रिजल्ट इन डिफॉर्मेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड द स्कूल। यहाँ कहीं नहीं कहा कि स्कूल का रूल अच्छा नहीं, रूल फॉर द स्कूल आर नॉट प्रॉपर, कहीं नहीं कहा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, सच अ स्टूडेंट शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, सच अ स्टूडेंट शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ स्कूल, द बैड बिहेवियर ऑफ एनी स्टूडेंट रिजल्ट इन द डिफॉर्मेशन ऑफ हिमसेल्फ, सच अ स्टूडेंट शुड बी एक्सपेल्ड, एक तरह का सही निष्कर्ष दे रहा है। तो हम लोग ऑप्शन टू ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन देखें क्या ऑप्शन टू बोलता है, कंक्लूजन टू फॉलो बोला है तो ऑप्शन टू ले लेंगे। लेकिन ये भी 50-50 चांस का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन टू ले लेना है। और नन ऑफ द कंक्लूजन भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर ना कंक्लूजन टू फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सच स्टूडेंट एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि अगर जो बदमाशी करेगा स्कूल जिससे स्कूल का नाम खराब हो तो उसको स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो यही सही है, ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन हम ऑप्शन टू लेंगे, सच कंक्लूजन टू फॉलो। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।